छात्र संघ के संविधान को पढ़ना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतनी अराजकता हो गई कि विश्वविद्यालय के गार्ड छात्रों को और पूरा छात्रों को घेर कर उनके ऊपर लाठियां बरसा देंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय के गार्डों की हिम्मत नहीं है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की खुली गुंडा करती है जिसको हम कंडेम्न करते हैं और मुट्ठी में मुट्ठी बांध कर कंडेम्न करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा कैंपस के अंदर किसी भी तरीके से। कल भी छात्रों ने जिस तरीके से अपना एका बनाए रखा और आज उस एके के तहत हम सब फिर से यहाँ पर इकट्ठा हैं, हमको लड़ना होगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो हमारे वर्तमान छात्र हैं उनसे भी ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ होता और अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो रहे होते, हिम्मत नहीं पड़ती किसी गार्ड की आपकी तरफ आंख उठा कर। और ये सिर्फ यही का हाल नहीं है, आपकी साथी छात्राएं जिनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में 2 साल से कोरोना में बंद करके रखा गया है, शाम को गार्ड भी उनसे पूछता है रोज तुम्हारा नाम क्या है और रोज उनसे उनके आई कार्ड की चेकिंग की जाती है जबकि वो रोज वहीं अंदर से आती जाती है। किस बुरी कदर हमारे विश्वविद्यालय की हालत हो गई है, हमको लड़ना पड़ेगा। लड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि विश्वविद्यालय भविष्य है, ये भविष्य देता है। और मैडम को भी याद दिलाना चाहते हैं कि कुलपतियों का कार्यकाल यहाँ पूरा नहीं होता है, इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, चाहे आप पुराना इतिहास में जाएंगे या हांगलू, रतनलाल हांगलू बहुत बड़े आतताई हुए थे, 4 साल पूरे हो चुके थे, लोग कहते थे ये कभी वापस नहीं जाएंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया, रतनलाल हांगलू को रातों रात बोरिया बिस्तर उठाकर बांधना पड़ा, सामने आकर उनकी बात करने की हैसियत नहीं बची। हम मैडम से कहना चाहते हैं, मैडम समझ जाइए, छात्रों के आक्रोश को मत बढ़ाइए, हम छात्र हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम कानून जानते हैं, हम संविधान को मानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर पठन और पाठन का स्थान है। हम चाहते हैं यहाँ क्लासेस रेगुलर चले, हम चाहते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज हो, जहाँ पे 24 घंटा लाइब्रेरी होनी चाहिए थी वहाँ पे आप हर परिसर के हर दरवाजे को बंद कर देना चाहती हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों को अगर चाय पीना हो तो उसको सड़क पर जाना पड़ता है, पूरे विश्वविद्यालय में एक कैंटीन नहीं है, पूरे विश्वविद्यालय में कहीं किताबें नहीं है। और तो और विश्वविद्यालय के शिक्षकों का ये हाल हो चुका है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन के कदम चूमने का काम शुरू कर दिया है। कहते हैं ना कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते अगर थोड़े से तलवे हम भी चाट लेते, लेकिन हमने तलवे चाटना मंजूर नहीं किया है, हम और आपको लड़ना पड़ेगा। ये वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन है जहां पर रतनलाल हांगलू ने कहा था कि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी और यही छात्र संघ के पदाधिकारियों ने, सिद्धार्थ गोलू मौजूद है, विक्रांत भी मौजूद होंगे, सूरज भाई मौजूद है, जहाँ पे सबने मिलकर यही अनशन किया था और कुलपति को नहीं दिल्ली से फरमान आया था कि इस तरीके के तानाशाह फरमान को वापस लिया जाता है, आज इसलिए आप ऑफलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं। आपकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। और मैं आपसे एक अपील अंत में करना चाहती हूँ, क्योंकि कहने को बहुत बातें हैं लेकिन तमाम साथियों को अपनी बात कहनी है, आंदोलन चलाइए, एका बनाइए, मुट्ठी को बांध के भींच लीजिए, लेकिन इस मुट्ठी को इंकलाब के लिए उठाइए, अराजकता के लिए आपकी मुट्ठी नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि जब वायलेंस होगा, जब अराजकता होगी तो हमारा आंदोलन टूट जाएगा। गवाह है हम लोग, लोक सेवा आयोग का आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, सरकार को समझ में नहीं आ रहा था, पेपर आउट हुआ था, पीछे से पुलिस के लोगों ने आके बस को फूंक दिया और वो आंदोलन वहीं समाप्त हो गया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर किसी छात्र का गलती से हाथ उठ भी जाए तो उस हाथ को पकड़ लीजिए, उसको नीचे कर दीजिए, आपको लड़ना होगा क्योंकि आप कानून को मानने वाले लोग हैं, आंदोलन को आपको चलाना आता है, इस आंदोलन को चलाइए। और हम अंत में ये भी कहना चाहते हैं कि विवेकानंद पाठक सर, आप FIR में विश्वविद्यालय के कुलपति समेत सारे लोगों को नामजद करने का काम करिए, गार्डों की हैसियत नहीं है कि ये हाथ चला देते, ये किसी की उसमें पल रहे हैं। और इस गार्डों की कंपनी का जो टेंडर है वो तत्काल रूप से रद्द किया जाना चाहिए, एक गार्ड पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर समेत छात्रावास में नहीं देखा जाएगा, हम गार्डों के बिना विश्वविद्यालय को शांतिपूर्ण से चलाकर दिखा देंगे।
और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं प्रोक्टर महोदय, बहुत हो गई छात्रों के साथ गाली गलौज, बहुत हो गया छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, अब होगा छात्र संघ बहाल, क्योंकि हम 400% फीस वृद्धि को वापस करवा के रहेंगे। मैडम वाइस चांसलर, डिजिटल युग का जमाना है, जो प्रिंट आउट 1 रुपए में निकल सकता है आई कार्ड का, उसके लिए आप हमसे 400 रुपए क्यों लेना चाहती हैं, इसका जवाब देना होगा। और हम विश्वविद्यालय के साथ साथ जिला प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप हल निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ से संदेश देते हैं कि मैडम वाइस चांसलर को बुलाइए इस खुले बाग बगीचे में, आइए मैडम, हम और आप आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे और आंदोलन का रास्ता निकालेंगे। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप बातचीत के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, लेकिन लाठियां, लाठियों को खाना नहीं, हमें लाठियों को तोड़ना आता है, हम लाठियों को तोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन बिना वायलेंस के, बिना अराजकता के हमें अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और यहाँ से जो भी तय होगा, तय सिर्फ इतना ही है कि छात्र संघ बहाल हो, 400% फीस वृद्धि वापस ली जाए, जितने छात्रों का निलंबन हुआ उन छात्रों के निलंबन को वापस लिया जाए, और साथ ही साथ जितने फर्जी मुकदमे छात्रों के ऊपर दर्ज किए गए हैं, अभी एक डेटा मैं निकलवा रही हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माध्यम से पिछले 7 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमे कर्नलगंज थाने में दर्ज हुए हैं। इन मुकदमों को खत्म कराने का भी आंदोलन हमें साथ ही साथ करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।